बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे डीए के स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में अगर वो बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में या फिलहाल वो अगर अपना दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम, किस स्टूडेंट्स ने किस प्रोग्राम में अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया और आगे वो किस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो नस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है ये क्राइटेरिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें, आपको मैट्रिक और जो डीए का डिप्लोमा है उसमें 60% मार्क्स लेने हैं, उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। और इसके लिए ओपन मेरिट होगा, कोई आपके लिए सीट जो है वो मखसूस नहीं होगी, ओपन मेरिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर डी बैकग्राउंड लिखा हुआ ऑफर्ड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अगर आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है तो आप आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनएक्स इंजीनियर, तो ये सारे प्रोग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी से ये सारे आपके सामने रख देता हूँ। तो उसके बाद डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन टेली कम्युनिकेशन में अगर है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपका डिप्लोमा है इन प्रिसिशन मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, तो वही भी सेम है, यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पावर में है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप बन सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन है तो मैकेनिकल इंजीनियर है जो। डिप्लोमा इन ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी तो मैकेनिकल इंजीनियर है। डिप्लोमा इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है तो ये सारे पर इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है वगैरह वगैरह, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी तो मैकेनिकल इंजीनियर है। डिप्लोमा इन डाइज एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी तो केमिकल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर। डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियर। डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी तो केमिकल इंजीनियर है। उसके बाद अगर आप देखें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो सेम है, डिप्लोमा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो वो भी सेम है। उसके बाद डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर या जो इंफॉर्मेशन इंजीनियर या इन्वायरमेंटल इंजीनियर वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि डीए का कोई स्कोप नहीं है, डीए के बाद हम जो है वो हमारा फील्ड क्लोज हो जाता है, आगे हम पढ़ नहीं सकते। तो ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो एफएससी वाले इनमें एडमिशन ले सकते हैं, तो आप भी बराह रास्त एडमिशन ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप जो एसोसिएट इंजीनियर से फुल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बड़े आसानी के साथ आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोग्राम है जिनमें आप एलिजिबल होते हैं और आप बड़े आसानी के साथ जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, ये ना कहें कि मेरा जो डिप्लोमा है वो किसी काम का, आपका डिप्लोमा जो है वो बेस्ट है, जितना हो सके इसको बेहतर करें, आगे जाके ज़िंदगी में आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो सकेंगे। तो फाइनली जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।